भारत पाकिस्तान की सैन्य जंग को इतिहास में विजय के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है, यानी हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को याद करता है जिन्होंने देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस भारत के सैन्य इतिहास में एक गौरवशाली दिन है। ये दिवस कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की विजय का प्रतीक माना जाता है। कारगिल वो क्षेत्र है जहां 1999 में भारत और पाकिस्तानी सेना ने युद्ध किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने गुप्त रूप से नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की और कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारतीय सेना ने पड़ोसी मुल्क के कब्जे से कारगिल द्वार क्षेत्र को आजाद कराया और इस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ विजय गाथा लिखी। भारत पाकिस्तान की इस सैन्य जंग को इतिहास में विजय के प्रतीक के तौर पर हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को याद करता है जिन्होंने देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की। भारतीय सेना ने इस घुसपैठ का पता लगाने के बाद ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय सेना ने दुर्गम भूभाग और प्रतिकूल मौसम के बावजूद साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए धीरे धीरे पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हवाई हमलों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को भारत के जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में शुरू हुआ था। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के साथ समाप्त हुआ। कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के 52 जवानों ने देश की सरहद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था।